छतरपुर में बेखौफ करीब 8 से 10 नकाबपोश बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया और एक व्यापारी और उसके पिता को मारपीट कर घायल कर दिया। घटना थाने से चंद कदमों की दूरी पर हुई, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। गुंडों और बदमाशों को अब पुलिस का भय बिल्कुल भी नहीं रहा। इन बदमाशों का आतंक ऐसा कि घटना को देखकर व्यापारियों ने अपनी दुकानें तक बंद कर ली। बमीठा में बदमाशों और गुंडों के आतंक से आमजन सहित व्यापारी वर्ग दहशत में है। बदमाशों को अब पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं रहा। बताया जा रहा है कि बमीठा के पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर 8 से 10 नकाबपोश गुंडे मोटरसाइकिल में सवार होकर आए और बीज भंडार व्यापारी दीपक गुप्ता और उसके पिता रमेश गुप्ता को डंडों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद वे वहां से भाग गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस के नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना हुई और पुलिस कुछ न कर सकी। बमीठा पुलिस को घटना की भनक तक नहीं लगी। वहीं बमीठा के दुकानदारों में गुंडों की दहशत से रूह कांप गई। जिस भी व्यापारी ने घटना को देखा वह अपनी दुकान की शटर गिराकर दुकान में छिप गया। गुंडों के मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में भी जमकर वायरल हो रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।